हेलो जुले एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जनवरी का 21 तारीख और टिबेटन के हिसाब से देखा जाए तो बंदा चुंगीपा से पर चुकचिक है। ये वीडियो में अभी संगपो चिलिंग नुब्रा से फिल्म आ रहा हूँ। फिलहाल आजकल विंटर प्रैक्टिस चला हुआ है इधर। फिर हमारे दोरजे साहब ये गुरु जी वगैरह के लिए खाना खाने के लिए पधारे हैं। फिर आज उधर से कुछ लोग आए हैं खाना बनाने के लिए है। खाना भी उन्हीं की ओर से ऑफरिंग किया जा रहा है। ये जंगपो चिलिंग का रूम वगैरह नुब्रा का, और वो छुद में लखन है, और ये हिज होलीनेस का रेसिडेंस। जुले संकला जुले दिरिंग यिंगु इन जिंदा खों इनो ले चुरे रिपु सरकन सल्टे पिया केन जुबा ले दोंदां खों ना बे फुल दिन ओक संगा हुंदर नि जुक दिना ले ओ संगा ओम जाल क्यों थाले तुजे छे निजा सम बतम जिक दिन जमो इनो फुल न जि मिटो ओ तुजे छे ए निजे थामा कुचे रिमुल दिसि गे नेत ना ता मेउ छि गे थामे मुलम ता भेले ओले जुले तने दोंदां गिसपा जिन दन हेले। और साथ में आजकल हमारा रूम भी बनाने के लिए चला हुआ है। जुले चले जुले ये संग में रूम जो सही चुक से नाले रूम संग में सिंह तान से ना याले और जुले या जो जु या यूं या जो बजुए दिन ना तो ब्रेकफास्ट जिंदा कौन जुक दिन आये ले लंच बो जिंदा हुंदर बने देने का ता ब्रेकफास्ट जिंदा खून ना बनी शुरू दिए क्या ले अब क्या क्यों तुझे जा तुझे से कटिंग से तुम अभी भी रंपानी लेने जा रहे हैं नीचे। छोटा सा नाला है नीचे, नाले में पानी लेने जाएंगे। फिर जनवरी के मौसम में देखते हैं कितना ठंड है नीचे, बर्फ कितना जमा है। वैसे तो इस साल उतना ठंडा नहीं है मौसम, फिर भी नीचे दरिया में काफ़ी ठंडा होगा क्योंकि उधर सूरज की किरणें बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो पूरा 100% शोर है कि पानी पूरा जमा होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का रास्ता कैसा है। अभी मेरे से पहले कुछ लोग गए हुए हैं पानी के लिए नीचे। एक एक दिन में 40-45 लीटर पानी लाना पड़ता है क्योंकि आजकल थोड़ा ज़्यादा लोग होने की वजह से पानी की खपत थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर पिछले साल ये वाला जनरेटर इधर रखा हुआ था तो यहाँ से पानी दो शिफ्ट करके ऊपर चढ़ाते हैं, एक नीचे है दरिया में और दूसरा इधर नीचे वाले से पंपिंग करके पानी इधर डालते हैं इस जनरेटर से फिर ऊपर। आप लोग फिर वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर अपने अपने प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीजिएगा, अपने थॉट्स अपने कमेंट्स शेयर कीजिएगा। जो लोग वीडियो देखते हैं वो सारे लोग वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वीडियो देख के चुपचाप पतली गली से खिसक लेते हैं
वहाँ से जा रहा है क्या? आ रहा है, जा रहा है नीचे की ओर। चलो फिर आजकल के युग में भी ऐसे भी कुछ एक जगह ऐसा है कि जहाँ पर पानी अभी भी नहीं है, यहाँ पर पानी मोटर के द्वारा ऊपर चलाया जाता है। और फिलहाल सर्दियों में फिर मोटर चलना थोड़ा असंभव हो जाता है ठंड की वजह से, पानी पाइप पूरी तरह से जम जाता है, इसलिए फिर पानी ऊपर नहीं उठ पाता है। इसलिए इस साल तो फिर बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ी है, पिछले साल से पिछले साल थोड़ा बहुत बर्फ गिरा करता था, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। हालात कुछ ऐसा नाजुक बना हुआ है, ऊपर मंदिर से लेकर इधर दरिया तक ये है खड़ी चढ़ाई, 500 मीटर का चढ़ाई है। फिर बाकी अभी मेरी ठंड हाथ में काफ़ी ठंड बढ़ रहा है, लाल होना शुरू हो चुका है। अब क्या लाचे लासिम लासिम कुछ नहीं था ये है गेंद छासा ना जीजू दुर्गम क्षेत्रों का नजारा आजकल ऐसा है। देखो इधर पानी की इतनी किल्लत है। ठीक ठीक है जी, ये शांति जी मजा नहीं छुप हुआ था जिदा शांति जी मदम नहीं छुप हुआ था। हाँ ये करता था जगह। अभी हम पानी लेके वापस लौट चुके हैं ऊपर की ओर, फिर हमारे स्पॉन्सर वगैरह का कितना कष्ट है आप लोग देखिएगा, बेचारे लोगों की बस इतना शरदा भरा हुआ है कि हमें उन शब्दों को बयान करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। खाना भी खिलाओ, पानी भी दो, इन्होंने 15-15 लीटर लेकर 5-6 एक ट्रिप लगा चुका है। रास्ते का हालत देखिए कितना खाई है, अगर यहाँ से थोड़ा सा
फिर नीचे गया तो फिर सीधा डायरेक्ट उधर दरिया में पहुंचेगा, और यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा छोटा सा पत्थर आएगा तो डायरेक्ट सिर में लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। कुले के दे ये जगह जो है हमारा पहला विश्राम स्थल है पानी लेने वालों के लिए। दो बार या तीन बार विश्राम करके हम लोग गुम्बा तक पहुंच जाते हैं। अक्सर सारे लोग यहाँ थोड़ी देर के लिए आराम फरमाते हैं। अब हम लोग वहाँ से यहाँ तक सफ़र तय कर चुके हैं, अभी फिलहाल इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं। ये वाला सीढ़ी थोड़ा मुश्किल सा है सामान लेके चढ़ने के लिए। तो कुले क्यों देव दिन दिनी कुले क्यों खास लाओ दे पे देखी ना समझो इन्हें आज जो कंपा कर देते ना चिंते पे कपड़ा जो बल देखेंगे सामान खुर लगभग 10 मिनट के बाद हम लोग गुम्बा पहुंच चुके हैं। अभी पानी लेकर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था नीचे एकदम पूरी तरह से आइस जमा होगा बोलकर होना भी चाहिए। जनवरी का महीना है कड़ाके की सर्द और ऊपर देखिएगा आप लोग धूप कितना अच्छा खिला हुआ है।
गर्मी बहुत है। फिर वीडियो समाप्त करने का टाइम आ चुका है, मैं पहुंच चुका हूँ अपने गंतव्य पर। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोगों ने अपना ख्याल रखना और अपनों का भी ख्याल रखना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एक चीज, वीडियो पर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। Mm-hmm.